साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में तमाम तरह की हलचलें इस समय सियासत का मंच बन चुकी है। जिस तरह हमें देखा कि यहां पर सोशल मीडिया पर जिस तरह की ट्वीट वार छिड़ी हुई थी, उस ट्वीट वार के बाद जिस तरह से घटनाक्रम हुआ सबने देखा। पहले गिरफ्तारी, बाद में रिहाई, और उसके बाद जिस तरह से एक अलग परिभाषा क्रिएट की गई कि ट्विटर पर जो व्यवस्थाएं चलती हैं, जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं, जो गैर मर्यादित टिप्पणियां होती हैं, उसको बंद होना चाहिए और निश्चित रूप से इसको बंद ही होना है चाहिए। पर तमाम मुद्दे जनता के भी हैं और उन मुद्दों को उठाना भी हम जैसे खबरन बीसों की एक नैतिक जिम्मेदारी भी है और मौलिक कर्तव्य भी है। और कहीं ना कहीं अगर पत्रकारिता कर रहे हैं तो अगर मुद्दों को नहीं उठाएंगे तो शायद ये एक बड़ा बड़ा कुतारागात होगा अपनी पत्रकारिता के साथ और आम जनता के साथ भी, क्योंकि समाज के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। चौथे स्तंभ होने के नाते हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है और शायद संवैधानिक जिम्मेदारी भी कि इसको हमको उठाना चाहिए। खैर, आज जो मुद्दा है बड़ा अहम है, क्योंकि राज्य विद्युत नियामक आयोग पर बिजली कंपनियों ने कहा है कि अब बिजली दरें बढ़ाई जानी चाहिए। प्रस्ताव दे दिया गया है और प्रस्ताव के मुताबिक यहाँ पर घरेलू उपभोक्ताओं पर 18 से 23%, उद्योगों के लिए यानी कमर्शियली 16% और कृषि क्षेत्र के लिए 10 से 12% तक बिजली महंगी हो सकती है। यानी अब आप नए साल यानी 2023-24 के लिए बिजली के झटके के लिए तैयार रहें। ये झटका आपको करंट से नहीं आने वाला, ये झटका आपको आएगा बिजली की दरों से। जब जनता पहले ही कोरोना जैसी महामारी के चलते पहले से ही संघर्ष करती नजर आ रही है, उस पर अगर ये बिजली का झटका लगेगा तो कहीं ना कहीं जनता को यहाँ पर दिक्कत होगी, जिसको लेकर राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इसको लेकर एक याचिका भी डाली है कि ये दरें नहीं बढ़ानी जानी चाहिए, बल्कि कम होना चाहिए, टैरिफ भी कम होना चाहिए। क्योंकि उनके मुताबिक 25,133 करोड़ के लगभग विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर पहले से ही बकाया है, तो फिर नई तरह की विद्युत दरें क्यों बढ़ाई जा रही हैं, कारण क्या है, समस्याएं क्या है और ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि यहाँ पर बिजली की दरों को बढ़ाया जाना जरूरी है, क्यों जरूरी है, कारण क्या है, ये सरकार जानती है या राज्य विद्युत नियामक आयोग जानता है या खैर जानती है बिजली कंपनियाँ, फिर जनता इतना जानती है कि अगर उसको बार बार महंगी बिजली का झटका आप देंगे तो कहीं ना कहीं उसकी जो एक कमर होती है, आर्थिक कमर, वो कमज़ोर होगी और टूटेगी भी। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं तमाम तरह की चीज़ें महंगी होती चली गई, महंगाई के मार से पहले से जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही थी, वहीं पर जिस तरह से अगर विद्युत की दरें बढ़ाई जाएंगी, हालांकि प्रस्ताव भेजा गया है, अभी भी पारित नहीं हुआ, ना कहा गया कि बिजली दरें बढ़ेंगी, पर जब भी कोई प्रस्ताव भेजा जाता है तो कहीं ना कहीं सनसनी जरूर मचती है। फिलहाल सनसनी यही है कि विद्युत दरें बढ़ाई जा सकती हैं और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है ये भी कहा जा रहा है कि जो 1 किलोवाट से कम बिजली जनाने वाले उपभोक्ता हैं उन पर भी लगभग लगभग 15% की दरें बढ़ सकती हैं। यानी अब इस जद में सब आएंगे, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे उद्योग हो और चाहे हमारे देश के किसान हो, सब तैयार रहें 23-24 के लिए, क्योंकि यहाँ पर शायद अब विद्युत की दरें बढ़ सकती है। इस पर एक बयान से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 1%, 2% नहीं, पूरी तरीके से 23% बिजली की बढ़ोतरी जो होगी उस पर हर जन परेशान होगा, हर तबका परेशान होगा और ख़ासतौर से किसान, उत्तर प्रदेश का किसान जो मजा हुआ किसान है, बहुत बड़ी उसके पास खेती नहीं है, टूटी फूटी लागत से वो अपनी फसल बोता है और उसके बाद इतनी ज़्यादा लागत अगर बढ़ जाएगी बिजली की दर तो लागत में बढ़ोतरी हो जाएगी, फिर ये महंगाई बढ़ती चली जाएगी तो उत्तर प्रदेश का किसान पूरी तरीके से परेशान होगा। इसलिए सरकार जो प्रस्ताव पेश कर रही है उसको फिलहाल निरस्त करें, क्योंकि वो ना तो किसानों के हित में है ना तो उत्तर प्रदेश की जनता के हित में है। महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है, चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि अगर बिजली का झटका लगेगा तो जनता परेशान होगी। जब जनता पहले से संघर्ष कर रही है, महंगाई के दंश से पहले ही परेशान है, पर राजनीतिक दलों का क्या, वो तो यात्राओं में और चुनावी मंच में इस समय बिजी है, क्योंकि यहाँ पर अब राजनीति केवल और केवल एक माध्यम से होती है, वो होती है ट्वीट से सोशल मीडिया से, और सारा दर्द और सारे आरोप प्रत्यारोप का माध्यम इस समय ट्विटर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही बने हुए हैं। पर आम जनता जिसको चुनावी तमय तमय के बाद दिए गए थे, और ये भी कहा गया था कि शायद 300 यूनिट का बिजली का बिल कम भी होगा, ये भी कहा, कई
जो पार्टियां थी वो तो उन्होंने ये तक बोल दिया था कि बिजली मुफ्त करा देंगे 300 यूनिट तक, और ये भी कहा गया था कि शायद बिजली की दरें कम होगी और कम होगी, पर यहाँ पर कम होने की बात तो नहीं कही जा रही है। फिलहाल यहाँ पर प्रस्ताव ये रखा गया है कि बिजली की दरें बढ़ाई जाएंगी। कारण क्या है? कारण किसी को नहीं पता। अब कारण किसको पता होगा ये तो शायद कंपनियां जानती हुई या राज्य विद्युत नियामक आयोग जानता होगा। फिलहाल जनता तो ये जानती है कि जनता से जो वादे किए जाते हैं वो फिलहाल उन वादों पर खरी नहीं उतर रहा है, क्योंकि अगर वादों पर खरे नहीं उतरेंगे तो यही जनता जनार्दन भी है जो समय समय पर बदलाव करती रहती है और बड़े बड़े फैसला देती है। और हमारे भारतीय राजनीति का इतिहास गवाह है, जब भी जनता जनार्दन ने फैसला दिया है वो ऐसा दिया है कि बड़ी बड़ी ताकतें और बड़ी बड़ी पार्टियों की चूल्हे हिल गई हैं, और इन चूल्हों हिलने के पीछे केवल केवल एक ही बात आती है कि जनता वास्तव में जनार्दन होती है। पर यहाँ पर जनता को अगर इस तरह का झटका दिया जाएगा तो शायद जनता को भी सोचना पड़ेगा कि हमने क्या सही निर्णय लिया। खैर, राज्य उपभोक्ता परिषद की अपनी व्यवस्थाएं, उसने याचिका भी डाली और कहा है कि बिजली की जो दरें हैं यहाँ पर कम होनी चाहिए, अगर कम नहीं करेंगे तो यहाँ पर नुकसान होगा, क्योंकि बिजली कंपनियों के ऊपर पहले से ही उपभोक्ताओं का 25,133 करोड़ रुपये बकाया है। बकाया क्या है उन्होंने इसकी याचिका में इसकी पुष्टि कर दी है और शायद संलग्न भी कर दिया है। पर साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप दाम बढ़ाएंगे तो इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा ये शायद जनता भी जानती है और शायद सत्ता में बैठी सरकारें भी। अगर बिजली है और बिजली बिना कुछ सोच नहीं सकते हैं, अगर 24 घंटे बिजली मुहैया कराना भी सरकार की प्राथमिकताओं में एक है, तो कहीं कहीं सरकार को यहाँ भी सोचना पड़ेगा कि अगर महंगी बिजली हो जाएगी तो उससे तमाम तरह की चीज़ों पर असर पड़ेगा, और वो असर केवल केवल आम जनता पर ही पड़ने वाला है। जब उद्योग धंधों पर बिजली महंगी होगी तो सामान महंगा होगा, चीज़ें महंगी होंगी, और फिर महंगाई का वही चक्र जनता के सामने आ जाएगा जिससे जनता पहले से ही त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर किसान के ऊपर भी बिजली की दरों को बढ़ाया जाएगा, 10 से 12% की बात यहाँ पर कही जा रही है प्रस्ताव में, अगर किसान को भी बिजली बढ़ाई जाएगी, उनकी दर बढ़ाई जाएगी, कहीं ना कहीं जो हमारे देश के अन्नदाता यानी किसान यानी हमारे देश की 60% आबादी जो लगातार संघर्ष करती है, लगातार अन्न उगाती है और देश की आम जनता का पेट भरती है, तो कहीं ना कहीं उनको भी दिक्कतें होंगी। जब किसान परेशान होगा तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत सबके सामने यहाँ पर सामने आएंगी, क्योंकि अगर हम बात करें बिजली की तो बिजली के बिना तमाम तरह की चीज़ें रुक जाती हैं। रुकती क्यों है ये सबको पता है। अगर हम उद्योग धंधों की बात करें या किसान व्यवस्थाओं की बात करें, किसी क्षेत्र की बात करें, या फिर हम बात करते हैं अन्य व्यवस्थाओं की, तो कहीं ना कहीं बिजली की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब कोयला महंगा है या व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं, पर तमाम तरह के प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, सोलर के प्रोजेक्ट चलते हैं, कहा जाता है कि पानी से बिजली बनाएंगे, कहा जाता है कि हम गार्बेज से बिजली बनाएंगे, कूड़े से बिजली बनाएंगे, और अगर बिजली बनाने की इतनी व्यवस्था हम कर रहे हैं, तमाम तरह के प्रोजेक्ट सरकार लेके आ रही है, तमाम तरह के प्रोजेक्ट की और उनकी योजनाओं की चर्चा यहाँ पर हो रही है, फिर अचानक से उन प्रोजेक्टों पर क्या हुआ? अगर वास्तव में आप सोचते हैं कि बिजली की व्यवस्थाएं दिक्कत में है या बिजली आपको कम मिल रही है या बिजली आपको मिल नहीं रही है, तो फिर वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर आप क्यों नहीं जाते? अगर शायद वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर आप जाएंगे तो स्थिति और ख़राब हो सकती है, क्योंकि अगर स्थिति खराब होगी तो कहीं ना कहीं इसका जो भार है वो आम जनता पर पड़ता नज़र आ रहा है। अगर आम जनता पर भार पड़ेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिक्कतें होंगी, और दिक्कतें यहाँ पर आपको ये बताएंगी कि जनता का मुख्य हितैषी कौन है। फिलहाल यहाँ पर हमने ये जरूर देखा है कि जब यह बिजली दरों की बात हुई है तो यहाँ पर पार्टियों के बयान तो आए हैं पर कोई संघर्ष नज़र नहीं आया है, क्योंकि अगर संघर्ष नज़र आता तो शायद सरकार पर कुछ ना कुछ बात जरूर होती और सरकार पर कोई ना कोई बात जरूर की जाती, और संघर्ष अगर सड़क पर होता तो शायद सरकार को भी सोचना पड़ जाता कि हाँ उपभोक्ताओं पर और बोझ क्यों डाला जाए। अगर राजकोषीय घाटा कम हो रहा है तो 25,133 करोड़ की बकाया है उसकी व्यवस्था क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर स्थिति वास्तव में खराब है तो अब तक ये बात फरमान क्यों नहीं लाया गया? जो क्या ये इसके लिए हम चुनाव का वेट कर रहे थे या इसके लिए हम तमाम बातों की एक संकल्पना कर रहे थे कि हाँ हम आने वाले समय में कैसे इसको मुहैया कराएंगे? क्योंकि अगर व्यवस्थित रूप से हम बात करें कि बिजली की व्यवस्थाओं को लेकर, तो दरें केवल और केवल उत्तर प्रदेश में नहीं अन्य राज्यों में बढ़ाई जा रही हैं, और जहाँ से उत्तर प्रदेश से राज्य की दरें बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान और खामियाजा भी होता है, वो खामियाजा भुगतती है आम जनता।
अब खामियाजा आने वाले समय में जनता भुगतेगी कि शायद सत्ता बैठी पार्टियां भुगतेगी, वो तो आने वाला 23 में कई 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, और 9 राज्यों में चुनाव की स्थिति सबको पता है कि जहां पर 3 राज्यों में बीजेपी सत्ता में काबिज है, तो वहीं 2 राज्यों में बीजेपी सहयोगी पार्टी के रूप में मौजूद है, तो वहीं 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और 1 में तेलंगाना की सरकार है। और ये बात स्पष्ट करती है कि कहीं ना कहीं अगर जज्बात कम होंगे और जब जब हृदय से कोई बात निकलेगी तो बदलाव भी हो सकता है, और निश्चित रूप से इस बदलाव को रोकने के लिए यहाँ पर व्यवस्थित होना पड़ेगा। और महत्वपूर्ण चर्चा विषय हमारे मेहमान जुड़ के रूबरू करा लूँ यहाँ पर, विवेक श्रीवास्तव प्रवक्ता भाजपा से अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा से नितिन सिंह यादव भाई अपना पक्ष रखेंगे, वरिष्ठ पत्रकार ग्रुप में पवन श्रीवास्तव भाई अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस के रूप में उनके फायरमैन प्रवक्ता विनोद सिंह भाई अपना पक्ष रखेंगे, और विवेक शर्मा समाज सेवी, इनके बिना डिबेट कैसे हो सकती है, क्योंकि अगर समाज सेवा की बात ना हो, समाज सेवी की बात ना हो, तो डिबेट पर चर्चा का मुद्दा ही क्या हो। खैर, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल रहेगा हमारा प्रवक्ता भाजपा से, विवेक भाई यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर दरें बनाने का प्रस्ताव वहाँ पर दिया गया है राज्य विद्युत नियामक आयोग में, कैसे देखते हैं, और क्या आपको नहीं लगता है कि जनता पर अचानक ये वजन डाल दिया गया है? अभी 9 चुनाव भी होने वाले हैं, 9 राज्यों में चुनाव होने हैं 23 में, उसके बाद 24 का चुनाव है, और जहाँ पर इस तरफ विधानसभा चुनाव में वादे किए जा रहे थे कि बिजली सस्ती देंगे, मुफ्त बिजली तक की बात कर दी गई थी, कैसे देखते हैं आप? देखिए गौरव जी, मुफ्त बिजली देने के जो वादे हैं जी, वो जिन दलों ने किए, अच्छा, उन दलों को जनता ने नकार दिया। ठीक, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इतने बड़े प्रदेश में कोई दल मुफ्त बिजली दे सकता है जी, उन्हें देना चाहिए। ठीक है, लेकिन विद्युत की दरें जी, इस तरह से बिजली कंपनियों, विद्युत नियामक आयोग से इस तरह की मांग की है जी, वो मौके के हिसाब से अच्छा ठीक नहीं है। अच्छा, चुनाव की बात जाने दीजिए, चुनाव का विषय नहीं है। अच्छा, चुनाव तो भारत में कहीं ना कहीं रोज होते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से 2 साल कोविड से जनता त्रस्त रही है और अभी जनता के दैनिक खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, अभी गृहस्थी उसकी पटरी पे आने की कोशिश में जद्दोजहद में लगा हुआ है, ऐसे में इस तरह की बात करना ये समय के तकाजे के हिसाब से बेबुनियाद है जी। अगर बिजली कंपनियों को लगता है कि उनकी बिजली के अकॉर्डिंग उनको धनापूर्ति नहीं हो पा रही है, तो बेहतर है कि बिजली कंपनी में लगे अधिकारी कर्मचारी स्वयं के घरों में मीटर लगा करके भुगतान करना शुरू कर दें। अच्छा, जहां तक मेरी जानकारी कोई भी बिजली कर्मी बिजली का भुगतान नहीं करता। अच्छा, और तो और इनके घरों में मीटर भी नहीं होते, ये तो केवल एक बिजली महकमे भर का हाल है। अच्छा, इसके अलावा जितने थाने हैं, जितने सरकारी दफ्तर है, जितने बड़े बड़े नगर निगम के दफ्तर है, अगर इन सब की बिजली बकाए ढूंढे जाए तो जनता का ये बोझ बहुत कम हो जाएगा। ठीक, जनता के ऊपर दोहरी मार पड़ती है। अच्छा, एक तो जनता अपने बिजली बिल का भुगतान भी करती है और उसके बाद भी ये सरकारी महकमे जो टैक्स जनता के टैक्स तो सरकार आपकी है, पर आप तो आप ही बता रहे हैं गलत है, पर यहाँ बात पहुंचाई ना सरकार तक। बिल्कुल बता रहे, सुन तो लीजिए पूरी बात, सुना लीजिए। जो ये कोई आज की परंपरा नहीं है गौरव जी, जी ये सरकारी सिस्टम को ये लत बहुत पुरानी है। अच्छा, बिजली कर्मी ने आज तक कभी बिजली का भुगतान किया नहीं, उनके घरों में मीटर भी नहीं होता है। अच्छा, अभी आप लखनऊ में बैठे हैं, अभी आप तमाम सरकारी महकमों के दफ्तरों के बिल वाउचर पता करिए, नगर निगम से लेकर के थानों तक किए, तो किसी का भुगतान हुआ नहीं मिलेगा। अच्छा, ये कोई परंपरा भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में नहीं पड़ी है, ये बहुत पहले चली आ रही है। आप सुधार देते, अभी तो 17 से बैठे हुए शासन। आवश्यकता इस परंपरा पे नकेल लगाने की है। बिजली कंपनियों ने बहुत समय से इस तरह की बात को और सबका ध्यान आकृष्ट किया है, मुझे पूरी उम्मीद है, भरोसा है कि हमारी सरकार इस पे भी कार्रवाई करेगी। डिस्कनेक्ट हो गया मेरा, जरा दोबारा कनेक्ट करा। जो लोग बिजली का बिल नहीं दे रहे हैं उनको भी इसके दायरे में लाया जाएगा और जनता के ऊपर इस तरह से कनेक्ट हो गया दोबारा का बिजली की दरों वृद्धि करने का कोई औचित्य नहीं बनता। ठीक, ठीक है नितिन भाई।
नितिन भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? जी नितिन जी आपको मेरी आवाज आ रही है? नितिन जी जी सर नितिन बेबे भाई अपनी बात पूरी करिए। देखिए गौरव जी, जी ये मेरी बात को आपने काट दिया। अच्छा मैं मेरा विषय ये था जी कि ये परिपाटी कोई आज से नहीं है, जरूरत इस परिपाटी को बदलने की है जी, और ये हमारी सरकार कर सकती है उसको करना चाहिए। अन्य सरकारों में तो मैं क्या बताऊं कि उनके यहाँ जो नेता लोग होते थे अच्छा। उन्हीं के करोड़ों करोड़ों रुपए बकाया रहते थे। अच्छा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हम मान लें कि जो विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है उस प्रस्ताव पे यहाँ पर सहमति नहीं बनेगी और सरकार सहमति बनने का सवाल ही नहीं उठता। अच्छा सरकार नकार देगी यहाँ पर? बिल्कुल नकारेगी। इसमें अन्य स्रोतों से जो अगर उन्हें कोई घाटा भी हो रहा बिजली कंपनियों को अच्छा तो अपने स्रोत को ठीक करें, अच्छा अन्य जगह से उसकी आपूर्ति सुनिश्चित करें। जनता के ऊपर बिजली की एक पाई भी बढ़ाना इस समय गुनाह है। बहुत बढ़िया ठीक है नितिन भाई। इन्होंने तो कह रही है हम नहीं बढ़ा रहे भाई, कह रहे हैं जो सरकारी कार्यालयों पे और जो बिजली उपभोक्ता है या जो विद्युत कर्मी है उनके यहाँ जिससे बिजली फ्री जाती है उस व्यवस्था को बदलेंगे और अब तक किसी सरकार ने नहीं बदली है पर इसकी हम शुरुआत करेंगे। और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो विद्युत नियामक आयोग को बिजली कंपनी ने प्रस्ताव भेजा उस पर सहमति नहीं, सरकार सहमत नहीं होगी और उपभोक्ताओं को झटका नहीं लगेगा। कैसे देखते हैं आप? देखिए निश्चित रूप से जो बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है हाँ। अगर ऐसा करती है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। अच्छा देखिए ये सच है कि प्रदेश में महंगाई की मार चरम पर है, उसके बावजूद अगर बिजली के दाम बढ़ाए जाते हैं तो निश्चित रूप से देश की जनता पर एक अलग से बोझ पड़ेगा जी। लेकिन हमारे साथी ने जिस तरीके से कहा कि बिजली विभाग के लोग तो बिल देते नहीं है, ठीक है ये सच है कि उनके यहाँ एक व्यवस्था है, उनका एक निश्चित जो है जाता है सैलरी से एक निश्चित पैकेज कटता है बिल्कुल ठीक, और वो जो भी है मिनिमम अमाउंट है 200-400 अभी आज की डेट में मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है, लेकिन वो जो केसा के कर्मचारी होते हैं उनका अपना एक निश्चित अमाउंट कट जाता है और उनके घर की बिजली मुफ्त रहती है। लेकिन इसके बाद जो इन्होंने बात कही जी। आज योगी का दूसरा कार्यकाल योगी जी का चल रहा है जी। ये सरकारी विभागों की बात कर रहे हैं, उसमें थाने की बात आ गई है, तमाम नगर निगमों की बात आ गई और बहुत सारे सरकारी महकमों की जिसमें करोड़ों रुपए की बकायेदारी है। तो भैया आप सरकार में बैठे हो, आप एक इसकी पहल करिए जल्दी से जल्दी। बिल कौन देगा? सरकारी तो देगी, सरकार के विभाग है, सरकार को बिल देने जमा करने चाहिए, करोड़ों की बकायेदारी है। और इसके बाद इन्होंने बड़े सफाई से आरोप लगा दिए दूसरे दलों के नेताओं पर, दूसरे दलों के नेताओं पर। आप तो दूसरा कार्यकाल चला रहे हो, 6 साल से प्रदेश में बैठे हो, रिकवरी की नोटिस जारी की आपने किसी की? किसी का एक का नाम लेने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने की आप जो कोशिश करते हो, बदनाम करने की जो कोशिश करते हो, नाकामी को जो विपक्ष पर डालने की कोशिश करते हो, इससे ज्यादा घिनौना काम हो सकता है? घिरौने अभी पहले राउंड शुरू हो गए। अरे आप बात नाम इल्जाम ले लीजिए किसी का, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा। और मैं आपको कहता हूँ टीवी चैनल जिम्मेदार चैनल है, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय है इन कार्यालयों का लाखों रुपए बकाया है। भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय कार्यालय तमाम बिजली के बिल बकाया प्रबंधन मत करिए, बकाया है एक भी बकाए का सबूत आप दे दीजिए। बिल्कुल आप नाम दीजिए, आपने अभी कहा कि पक्ष के नेताओं का तमाम आप पिछली सरकार के नेताओं की बात करें, आप नाम बताइए पहले, मैं आपको बिल सहित दूंगा, अभी मैं ऑनलाइन बिल मंगा लूंगा। और ये लोग इतने झूठे लोग हैं, गौरव जी मैं आपको एक प्रमाण देता हूँ, प्रमाण दे रहे प्रमाण मांगा देख लीजिए भाई, प्रमाण दे रहे हैं आपको। अरे तो उनका इस्तीफा भी था अभी जब इन्होंने पिछली बार भी कहा था, कल अभी आपने 2 दिन पहले जी इन्हीं के साथ बात कराई थी, इन्होंने कहा था कि किस तरीके से आपको 56(3) से FIR करानी चाहिए। क्या ये जो मैंने घटना का जिक्र किया था मैं उसकी FIR दिखा रहा हूँ आपको, किस तरीके से FIR हुई और पुलिस ने उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी, और जबकि वो बाकायदा
बाकायदा उसके साक्ष्य भी हैं, बाकायदा यूट्यूब में वीडियो पड़े हुए हैं जिस तरीके से भट्टी पड़ी। तो ये लोग आज जब फंस जाते हैं तब ये बैकफुट पर जाते हैं। अच्छा, ये आज ट्वीट नहीं करेंगे, आज तो विद्युत वाला मामला भाई। ये देखिए, ये देखिए, ये FIR, ये FIR है सुचेंद्री थाने की, जिसका नंबर है, FIR का नंबर बताता हूँ, FIR नंबर है 051। अच्छा, ये 2022 की FIR है, जो 16 तारीख की, 16 फरवरी 2022 की FIR है। अच्छा, ठीक है, देख लीजिए। और इसके बावजूद पुलिस ने हमारे जो विधानसभा का अध्यक्ष, हमारा कैंडिडेट जिसने ये FIR लिखा, सरकार चूंकि दोबारा बन गई, उसको बुला करके इन्होंने दबाव बनाया, और दबाव बना करके कहा कि बाप आगे इतना कुछ हो गया और तब भी सपा सड़कों पे नहीं है। ठीक है निधन भाई, ठीक है वरुण भाई, वरुण भाई, भाई महत्वपूर्ण विषय है। और क्या आपकी राय है जिस तरह से यहाँ पर राज्य विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा बिजली कंपनियों ने, कितनी कितनी दरें बढ़ाई जानी चाहिए, कैसे देखते हैं पूरे मुद्दे को? देखिए बिल्कुल, ये एक तरीके से हर उस आम शहरी का अपमान है। और भारतीय जनता पार्टी, विवेक जी ने तो एक पक्ष रखा, लेकिन देखिए बीजेपी महंगाई का समर्थन करती है। अच्छा, बीजेपी ये कौन सी बात है, बीजेपी महंगाई का समर्थन, मैं बता रहा हूँ ना। अच्छा, मैं बात देखिए, जब ये विपक्ष में थे केंद्र से लेके 2014 के पहले, तो बहुत 10-5 रुपए 20 रुपए जो रोजमर्रा सिलेंडर है, पेट्रोल है, गैस है, इस पे अगर बढ़ता था, बिजली है, तो ये आंदोलनरत हो जाते थे। आज कई कई गुना बढ़ गया। और उस समय वैश्विक चेक बैलेंस, चुनौतीपूर्ण स्थिति, दरें महंगी रहती थी ऑयल पदार्थ की, उसके बाद भी क्योंकि सरकार जिम्मेदार थी, सबको सोचती थी, यूपीए की सरकार, और सब्सिडी के माध्यम से या और किसी राहत के माध्यम से उसका बोझ आम जन पर ना आए, उसके दैनिक जो जीवन में क्रियाकलाप है वो एक सम्मानजनक तरीके से चलते रहे, इसका विशेष ख्याल रखती थी। अब बीच में ना बोलिए, सुन लीजिए भाई, बीच में ना बोलिए, लेकिन ये सरकार, चूंकि ये सरकार अपने सहयोगी कंपनियों को फायदा देने के उद्देश्य से ये काम करती है। अच्छा, इन्होंने तो एक पक्ष रख दिया, चूंकि ये जो जनभावना है, जो लोग उत्तर प्रदेश के लोगों की आवाज है, मंशा है, उसके खिलाफ है ये बढ़ोतरी होगी, तो विवेक जी ने एक पक्ष रखा। लेकिन अभी इन्हीं के पार्टी के कुछ लोग आंकड़ों सहित, कुछ फर्जी, कुछ बनावटी आंकड़ों के साथ आ जाएंगे, और किस चुनौतीपूर्ण स्थिति में, किस मार्जिन प्रेशर में इनकी बिजली वाली कंपनियां हैं, उसके पक्ष में एक माहौल बनाएंगे। आपको मालूम है ये लोग माहौल बनाने वाले लोग हैं, तो धीरे से उसमें कोई बीच का रास्ता निकालते हुए ये कहर बन के टूटेगी ये महंगाई की दरें आम लोगों पर। और ये सही बात है, इन्होंने कहा एक नाम, मैं 10 नाम दे देता हूं, अगर ये अपनी पार्टी से, अपनी गैर जिम्मेदार पार्टी से, अपनी झूठ बोलने वाली पार्टी से, अपनी महंगाई की समर्थन करने वाली पार्टी से समर्थन वापस ले ले, इस्तीफा दे दे, राजनीति छोड़ देंगे। अरे आपके सांसद, आपके पूर्व गृह मंत्री, आपके कई कई मुख्यमंत्री, कितना कितना लाखों रुपए का बाकी है, आपसे बार बार पत्राचार होता है, विभागें बोलती हैं, लेकिन आप करते नहीं। और 17 के बाद अगर पहले सरकारों ने कोताही, लापरवाही बरती, नहीं कड़ाई की, तो आपने कितनी कड़ाई कर ली, आप सूची सार्वजनिक करिए। क्यों आखिर हर महंगाई का, हर प्रेशर मार्जिन का, हर बढ़ती हुई दर का भुक्तभोगी हमारा आम शहरी क्यों बनेगा, हमारा सब शिष्ट अनुशासित भारतीय प्रदेशवासी क्यों शिकार होगा? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आप गोलमोल घुमा के बात नहीं कर सकते। सरकार में रहते हैं तो आमजन को राहत देने के लिए आपने कोई काम किया क्या? और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अगर ये वापस ले ले और ऐसे अधिकारी, ऐसे वर्ग जिन्होंने इस तरीके की रिपोर्ट बनाई, भेजी है, आज आदमी सम्मानजनक तरीके से अपनी महंगाई देखिए, बेतहाशा बढ़ी हुई है, कोई खाने को दुर्लभ है, अगर ये ऐसा करेंगे तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। और ये तो है सड़कों पर, ये वापस लेना पड़ेगा। सड़कों उतरे तो है भाई, सड़क पर तो उतरे भी है, स्थानीय स्तर पर भी उतरेंगे। अच्छा, और ये सरकार में है तो सत्ता के अहंकार में चूर ना रहे। अच्छा, ये अपने पसंदीदा कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा कृत्य बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा, कौन सी कंपनी बता रही, जो भी इनकी बिजली की कंपनियां हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में लगी हैं, या किसी एक व्यक्ति विशेष को, एक कंपनी विशेष को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, ये सब नीतिगत विरोध होगा। ठीक है, ये नीतियां जो ये बनाई जा रही हैं, इसके खिलाफ है, हम आंदोलन तक करेंगे। तो ठीक, अगर आवश्यकता पड़ी, चलिए हम भी देखेंगे कब आंदोलन होगा कांग्रेस पार्टी का। फिलहाल तो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है। ठीक है विवेक भाई, आप बड़े समाज सेवी हैं, और आपके मुताबिक किस तरह देखते हैं इन तमाम व्यवस्थाओं को, और क्या कुछ कमी है, और क्या कुछ अगर बेहतर हो सकता है, क्योंकि
योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास तो कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ अधिकारी है या व्यवस्था है वो उनकी मंसूबों पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। जी गौरव जी, पहले तो सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने इस डिबेट को चालू किया, एक जनहितकारी डिबेट है जी। और बेग जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि भाजपा ने कम से कम, भाजपा में ऐसे ऐसे लोग भी बैठे हैं जो जनहित का भी ध्यान रखते हैं, जो लोगों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि खुद भी अपने आप भी मुक्तभोगी होंगे जी। बिल्कुल सही कहा भाई साहब ने, कोविड के बाद जनता त्रस्त हो चुकी है, कमर तोड़ महंगाई हो गई जी। किसकी सरकार में, अच्छा यहाँ जितनी भी पार्टियां बैठी हैं सब अपने अपने बखान करते हैं कि यार हम हमारे में कमी थी। अरे भैया जनता तो दोनों तरफ से पिसती है, चाहे आपकी सरकार हो चाहे आपकी सरकार हो। आप ये अभी जो भाई साहब ने, विवेक जी ने कहा कि अधिकारी लोग पेमेंट नहीं करते, अब उसका एक सबसे बड़ा सोल्यूशन और बताता हूँ, झोपड़पट्टी और जो ये आपके झोपड़पट्टी आपने देखी होगी और जो मीटर में ये लोग चेंजेस करते हैं, इनके कर्मी विभागीय कर्मी जो करते हैं, इस पर भी तो लगाम लगाना जरूरी होगा। ये जो चोरी की बिजली जाती है, ये पैसा तो हम ही लोग भुगतान कर रहे हैं, आम जनता पैसा देती है और उसके बाद में बढ़ोतरी भी ले तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता। अगर आप 12% 17% या 20% 12% आप किसान के ऊपर बढ़ा रहे हैं, 17% घरेलू पर बढ़ा रहे हैं, तो क्या महंगाई दर जो इस समय पर चल रही है क्या वो बढ़ी है या कम हुई है? बिल्कुल, ये तो अपने आप में देखने वाली बात है ना। आपके आपके अधिकारी ये नई नई चीज़ें, नए प्रतिदिन ये नई नई शिगुफा छोड़ देते हैं कि ये बढ़ाएंगे वो बढ़ाएंगे। अरे भैया कम से कम जनता को जिंदा रहने दीजिए, क्योंकि महंगाई की वजह से वैसी पहले से मरी पड़ी है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है, ऊपर से ये अधिकारी जो आपने यहाँ पर अधिकारी बिठाल रखे हैं एक ही पद पर बैठे हुए, उनका प्रमोशन वहीं पर कर दे रहे हैं, वो कहीं उठकर नहीं जाते हैं, अपने कमरों को छोड़कर नहीं जाते हैं, ये केवल कमरों में बैठ के ही कागजों पर ही कार्यवाही होती है। अगर ये लोग जाने, अगर ये क्षेत्र में जाएं तो इनको बिजली चोरी भी दिखाई देगी, इनको मीटर में चोरी भी करते हुए दिखाई दे जाएंगे कर्मी, लेकिन ये उठकर नहीं जाना चाहते। आप इन अधिकारियों पर लगाम लगाइए सर, विद्युत अगर आप ये पेमेंट बढ़ाते चले जाएंगे आदमी कहां से पैसा देगा, एक आम जनता के पास कहां से पैसा आएगा? नौकरी है नहीं, व्यापार बिल्कुल मंदा पड़ा है, मार्केट बिल्कुल त्रस्त पड़ा है, लोगों की कमर टूटी पड़ी है और कोविड का फिर दोबारा से डर सताने लगा है कि कब कोविड आ जाएगा, कब बंद हो जाएगा, कब क्या होगा, अच्छा। कोई पता नहीं। और बिजली दरें बढ़ाने का प्रस्ताव भेज दिया, अरे उत्तर प्रदेश की ये UPPCL जो कंपनी है, पहले अपनी विद्युत आपूर्ति तो सही से बहाल कर ले। अच्छा। अगर यहाँ पर लोग चिल्लाते हैं, यहाँ तो 4-4 घंटे 5-5 घंटे 6-6 घंटे लाइट नहीं आती, ट्वीट करने के बाद में, शिकायत दर्ज कराने के बाद में भी अधिकारी वहां पर पहुंचता नहीं है, ये जेई क्या करते हैं? आप देखिए प्राइवेट सोसाइटियों में लाइटें दी जाती, लाइन दी जा रही है, 11,000 केबल भी डलती है, 33,000 भी डलती है, उसका ऊपरी पैसा भी, ऊपर का भी पैसा कितना लिया जाता है उन लाइनों को डालने के लिए? बिल्कुल, तो ये इस पर भी तो लगाम लगानी होगी। बिल्कुल, विद्युत उपभोक्ता से तो आप चाहते हो कि पूरा पैसा दे, जो एक आम जनता है वो पूरा पैसा पेट करती है, लेकिन ये जो बिजली चोर अधिकारी बैठे हुए हैं इनके ऊपर कब लगाम लगाएंगे, इनके ऊपर कब कार्यवाही होगी, इनको कब जेल के अंदर डाला जाएगा, ये क्यों चोरी कराते हैं? इस समय पर आप देख रहे होंगे मीटर का, हम लोग जितना भी आम जनता है वो त्रस्त हो चुकी है, मीटर तेजी से भागता है, उसको जब जाते हैं तो रिवाइज के लिए उनको निवेदन करना पड़ता है, जिसने रिवाइज करा लिया उसने करा लिया, अदरवाइज किसी का 24,000 का बिल आ रहा है, किसी का 28,000 का बिल आ रहा है, किसी का 30,000 का बिल आ रहा है, उसको पेट करना है जी, कहां से लेकर आएगी जनता? इनके अफसर जो हैं, जो कर्मचारी जो ऑफिस में बैठे रहते हैं, जो वातानुकूलित कमरों में बैठकर ये केवल पेपरबाजी या शिगुफाबाजी करते रहते हैं, रोज छोड़ते रहते हैं कि भाई ये शिगुफा एक छोड़ दिया कि अब ये विद्युत इसमें रेट बढ़ेंगे, क्यों बढ़ेंगे भाई, क्यों बढ़ेंगे? आप पेमेंट करिए, आपके जितने भी कर्मी हैं, जिस तरीके से आप कहते हैं, आपने विवेक भाई ने बताया कि अधिकारियों को जो लाइट दी जाती है उसमें कुछ पेमेंट उनका लिया जाता है, 300 रुपये 400 रुपये 500 रुपये कुछ फिक्स होता है जी, वो कितने लोगों को उससे लाइट आगे देते हैं ये कभी सोचा या किसी ने जाकर देखा जी? ये लोग झोपड़ पट्टी में देते हैं जी, ये उससे पैसा पैदा कर रहे हैं जी, तो इनको 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 क्यों आप छोड़ तो मुहिम चलाई गई थी विवेक शर्मा जी और सबने देखी है, नहीं मुहिम चलाई गई थी लेकिन कितनी मुहिम, अब मुहिम ठंडी पड़ गई सर, 2 दिन चलती है, 3रे दिन बंद हो जाती है जी, यही अधिकारी बंद करा देते हैं। अच्छा,
उसके बाद फिर वो दोबारा चालू हो जाती, क्यों हो जाती? चलो ठीक है, समीक्षा करते हैं पवन जी। पवन जी कैसे देखते हैं तमाम पूरी इस मुद्दे को, और जो तरह जिस तरह से यहाँ पर विवेक शर्मा ने अपनी बात रखी जी। देखिए गौरव जी, जी जो प्रस्ताव आया है जी, उस प्रस्ताव को अगर आप पढ़ेंगे क्या लागू होता है जी, क्या उनकी योजनाएं हैं, अगर उस पर आप चर्चा करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा जी। और ये तो तू-तू मैं वाली राजनीतिक है, ट्वीट वाली राजनीतिक लोग हैं, उस पर हम कुछ कहना उचित नहीं समझेंगे जी। ये प्रस्ताव गरीबों को देख करते हुए, ध्यान दीजिएगा गौरव जी, जी गरीबों को देखते हुए जी, 100 यूनिट जो चलाते हैं, कम से कम जो 100 यूनिट तक चलाएंगे, 100 यूनिट का मतलब जिनकी आप गरीब की बात कर रहे हैं ये वही गरीब है बिल्कुल, जिनके लिए चाहे भारत सरकार चाहे उत्तर प्रदेश सरकार जी निःशुल्क अनाज योजना देती है जी, ठीक है, अन्य योजना के तहत लाभार्थ देती है जी, ये उसी गरीबी में आ जाएंगे जी, जो 100 यूनिट बिजली की खपत करेंगे अपने यहाँ इस्तेमाल करेंगे, उनके लिए 3.5 रुपए का दर लागू किया गया है जी, इस प्रस्ताव के द्वारा जी, ये तो लाभ की बात हो गई जी। अब अगर गरीबों का इसमें लाभ हो रहा है, जो 100 यूनिट चला रहे हैं, जो 300 यूनिट चला रहे हैं उनके लिए अलग दर लागू कर दिया गया है, जो 1000 यूनिट चालू करेंगे इस्तेमाल करेंगे उनके लिए अलग योजना है। अब अगर जिसे अभी भाई साहब कह रहे थे गरीबी बहुत ज्यादा है, अरे गरीबी कहाँ है, आप नजरिया घुमा के थोड़ा देखिए, और आज और आज के 10 वर्ष पूर्व आप चले जाइएगा, आज हम लोग बाइक से चलना पसंद नहीं करते हैं, चलना छोड़ दीजिए, आप किसी भी कंपनी में आप निकाल लीजिए टर्नओवर इनके गाड़ियों बिक्रियों का, फोर व्हीलर कितनी स्पीड से बिक रही है, बिना पैसे के बिक रहे हैं, पेट्रोल पे आप चले जाइए लाइन लगी रहेगी सर, बिना पैसे के तो पेट्रोल नहीं मिलता है। देखिए योजनाएं हैं, लेकिन जो ये एक अंधकार में, ये जो अपना उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो जो जिस अंधकार में पिछले 20 साल 25 साल था, उसके पास अलाउद्दीन का चिराग आदित्यनाथ योगी जी के पास नहीं है, या AK शर्मा के पास नहीं है, वेल क्वालिफाइड है वो, वहां पे झुंझुना नहीं फैलाते हैं एसी कमरे में, उनकी योग्यता है, उनकी योग्यता है, तब आज उस चेयर पे बैठे हैं, और कुछ भी प्रस्ताव होता है कुछ भी लाते हैं वो समाज के हित के लिए ही होता है। ये एक पहलू हो गया। अब अगर हम दूसरे पहलू पर चर्चा करें, जैसे अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय हमारे कह रहे थे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, ये चर्चा कुछ और होती है, बीच में घुस जाता है ट्वीट वाला, इनके मीडिया सेल वाले दो के दोनों ऐसे हैं, इस पे अपने आप को काबू करना चाहिए, एक गलत संदेश जाता है, ये दोनों के लिए है। फिलहाल तो क्षमा उमा मांगा है, और अखिलेश जी ने अपनी टीम चेंज करने के लिए कहे हैं, ये सब क्षमा याचना इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोग अगर राजनीति में आते हैं जो हमारी बहन बेटियों को नहीं देखते हैं, आप भाई अखिलेश की बेटी के लिए अगर किसी ने कहा ये अच्छा में है, ये माफ नहीं किया जा सकता। अगर आदित्यनाथ योगी के लिए कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल करता है, केशव प्रसाद मौर्य के लिए इस्तेमाल करता है, ये अच्छा है, ये बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। राजनीति आप खुली राजनीति करिए, जो राजनीति लोग पहले करते थे, ठीक है, आप ये दोगलों वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए, सिंपल भाषा में हम इतना बता रहे हैं। अब रही बात बिजली का रेट बढ़ने का, ये जो बिजली का रेट बढ़ा रहे हैं लगभग 97,000 का फर्क पड़ने वाला है, करोड़ रुपए का फर्क पड़ने वाला है, ठीक है, इससे कहीं ना कहीं बिजली उत्पादन की व्यवस्था करने की व्यवस्था है। अभी तक हमारे 6 वर्ष हो गया है आदित्यनाथ योगी जी को आए, एक भी विद्युत उत्पादन केंद्र नहीं खुला हुआ है, समझिएगा। अब कहीं ना कहीं इनका मंशा है, बिजली तो हमारे यहाँ है नहीं, दूसरे प्रदेशों से अखिलेश यादव जी परचेज करते थे, बहन मायावती जी परचेज करती थी, कल्याण स्वर्गीय कल्याण सिंह परचेज करते थे और खपत करते थे, और ये फ्री वाला झुंझुना ये सब में बंद करना चाहिए, चाहे अन्य की योजना हो बिजली की योजना हो, फ्री हम नहीं, गरीब यहाँ पे हम हिंदुस्तानी लोग हैं, भारतवासी हैं, हम लोग काम करना जानते हैं, ये क्या है फ्री फ्री का झुंझुना, वो भी तो हम लोग के हाथ के ऊपर ही आता है ना। अच्छा कभी कांग्रेस आएगी, चलिए कभी कांग्रेस आएगी, फ्री फ्री का मतलब है कर्ज माफ किया था गौरव जी, ठीक है माफ किया था ना कर्ज, बिल्कुल, तो कांग्रेस ने भी किया जी, आज कांग्रेस अगर विरोध कर रही है जी, भाजपा की बात करें फिर फ्री अन्न दे रहे हैं जी, ये न बनाए जनता को अपाहिज न बनाए, शायद कुछ वैकल्पिक ऊर्जाओं के स्रोत पर भी बात होनी चाहिए, शायद उससे भी कुछ बेहतर समाधान हो सकेगा। विवेक भाई, विवेक श्रीवास्तव जी भाई, यहाँ पर सबके अपना पर टर्न हो गया, आप क्या कहना चाहेंगे जी? नितिन भाई की बात पे क्या कर रहे थे आप जी? लेकिन नितिन जी बार बार विषय को ट्वीट पे लेके चले जाते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ लेके चले आए जी, तमाम ऐसे उदाहरण हैं। जब भाजपा की सरकार बनी थी तो स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के आवास की बिजली का बिल लिया गया था इटावा में, सारी चीजें अंधकार है जी।
तो वो सब बार बार चर्चा का उचित नहीं है। मैंने एक साधारण सी बात कही कि इस समय जनता की कमर इस स्थिति में नहीं है कि उस पर इस तरह का बोझ डाला जाए। अभी जनता की घर गृहस्थी की गाड़ी पटरी पे आने की कोशिश में लगी है। बिजली कंपनियों का इस समय इस तरह का प्रस्ताव बेबुनियाद है। मुझे पूरी उम्मीद है कि विद्युत नियामक आयोग इस तरह के प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाएगा। सरकार के स्तर पर तो ये प्रस्ताव है भी नहीं, अभी तो बिजली कंपनियों का प्रस्ताव है जी। सरकार का इसमें भी कोई रोल नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से बेहतर हो कि बिजली विभाग अपने संसाधनों से जुटाने की कोशिश करे। जो जिन बिजली कर्मियों का मीटर नहीं लगा उनका मीटर लगवाए, उनको विद्युत आपूर्ति का जो भुगतान बढ़ाने पर चर्चा नहीं होती क्या विवेक भाई जी? ऊर्जा के स्रोत बढ़ाने पर चर्चा क्यों नहीं करती है? सोलर सिस्टम पे नहीं जाएंगे, गार्बेज बिजली उस पर नहीं जाएंगे, कूड़े से बिजली बनाने की व्यवस्था पर नहीं जाएंगे? गौरव जी आपको नहीं मालूम जी, इस समय जितने भी बड़े मकान बन रहे हैं, असक्षम लोग मकान बनवा रहे हैं, वो अपना सोलर सिस्टम ही लगवा रहे हैं। अच्छा, वो आपकी राज्य सरकार की बिजली के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म करते जा रहे हैं जी। मैं जहाँ बैठा हूँ इस समय गोमती नगर में, मेरे बगल में ही एक मकान बना, उन्होंने पूरा सोलर प्रोजेक्ट लगा लिया है। अच्छा, वो स्टेट की बिजली के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहते। क्या बात है, मुझे पता है ना, पता रहा हो जाएगी। लोग इस तरह से अपनी डिपेंडेंसी बिजली पे खत्म करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, लोग भी इसमें क्रियाशील है, लोग भी सोलर सिस्टम के ऊपर तरफ काम कर रहे हैं। हाँ। खेतों में किसान भी सोलर पंप लगा रहा है। वैकल्पिक स्रोतों की तरफ बहुत काम हो रहे हैं जी। हमारे यहाँ विभाग इस पर अनुदान भी दे रहा है। अच्छा। सब्सिडी भी दे रहा है सोलर पंपों पे। उपभोक्ता समझदार हो गया दी जा रही है। उपभोक्ता समझदार हो गया है जी। उपभोक्ता भी समझदार है, सरकार मदद भी कर रही है, सब्सिडी भी दे रही है। अच्छा, सब तरफ काम हो रहा है। अच्छा, लेकिन इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की जो बिजली का जो कोटा है वो रिकॉर्ड क्रॉस करता चला जा रहा है। अच्छा, जिस तरह खपत बढ़ती जा रही प्रदेश में, जनसंख्या को देखते हुए आप देखिए, सारी चीजों को देखिए, उस स्थिति में बिजली, अभी पवन जी ठीक कह रहे थे कि सरकार को जरूरत है। अच्छा, नितिन भाई बोल रहे थे कि आप 6 साल से काबिज है, आपने कुछ किया नहीं। नितिन यादव बोल रहे थे कि 6 साल से काबिज है, जिनका बकाया वसूल लीजिए, आप क्यों नहीं वसूल रहे हैं? बिल्कुल नितिन भाई जो कह रहे थे, जिस हाल में हमें पकड़ा गए, हम तो आए मैंने चुनौती ये, अगर किसी भाजपा कार्यालय का बिल बाकी हो बता दीजिए, कल ही जमा करवा देंगे। नाराज हो गए आपकी बात पर भाई, बोलिए नितिन भाई, बोलिए। नाराज नहीं हो गए, हमने कहा बुनियाद की बात है, जवाब सुन ले। देखिए बिजली का बिल सबको देना चाहिए। आज गौरव जी चोर मेरे गले में पाएंगे, बोलिए। आज मैं थोड़ा तेज नहीं बोलना चाहता हूँ जी, और आराम से सुनेंगे तो आप लोगों को आवाज आएगी, आप लोगों को पता चलेगा। अब आप ट्वीट पे चले जाएंगे घूम करके, बिजली पे नहीं जाएंगे, ट्वीट पे नहीं जाएंगे। बोलिए बोलिए नितिन भाई, बिजली पे जी। अभी इन्होंने कहा कि हमको जिस हाल में पकड़ा गए थे, ठीक है भाई, आपसे बहुत, आप सब सम्भ्रांत लोग हैं, हमारे पवन जी भी बहुत अच्छे पत्रकार है, आप भी समीक्षा कर रहे थे, आप लोग सब पत्रकार लोग बैठे है, समाज सेवी बैठे है। 2012 में जब आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने थे, ऑन रिकॉर्ड हर चीज है। आप अभी बता देंगे कि उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन कितना था। अच्छा। और 2017 में 16 के लास्ट अक्टूबर में हम लोग बैठे, 4.5 साल बाद समीक्षा हुई थी, और उस समय ऊर्जा के जो सचिव थे अग्रवाल जी, हम भी उसमें थे, उन्होंने भाषण में कहा, सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए गौरव जी सुन लीजिए सुन लीजिए आंकड़े सुन लीजिए। अब ये पार्टी आंकड़े दे रही है, आपसे बोल रहे हैं पकड़ा गए, तो सुन लीजिए थोड़ा, उनका भी बता तो रहे हैं। आज मैं थोड़ा तेज नहीं बोलना चाहता, राहुल गांधी के साथ लखनऊ के रोड शो में खुद ही बिजली का तार पकड़े दिखाई देते थे। अच्छा, जितना उत्पादन चाहे जो रहा हो, आंकड़े चाहे जो, जनता ने जो देखा वो बता। जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, बोलिए बोलिए नितिन भाई, बोलिए
बोलिए और उत्पादन। अरे भाई विवेक जी चुप हो जाओ भाई, आज आज ना जाए हो जाए। दो ही जिले आपके प्रदेश में थे, इटावा में सैफई और रामपुर, बाकी प्रदेश में डूबा रहता था। सैफई और रामपुर ये कौन सी बात? गौरव जी 8 घंटे गोरखपुर में आती होगी, 8 घंटे दिल्ली आती थी, 1 हफ्ते तक, 1 हफ्ते के बाद 8 घंटे रात में आती थी। बिजली का तार पकड़े थे था ना। आज अगर उत्तर प्रदेश में 20 घंटे 22 घंटे 24 घंटे लाइट आ रही है, कौन से आंकड़े कौन इसका भी ध्यान देना होगा ना जी। बिल्कुल, इसीलिए जब ऊर्जा उत्तर प्रदेश में इतनी बिजली आती थी कि इन्वर्टर की बिक्री बंद हो गई थी। और मैं तो आंकड़े में कह रहा हूँ भाई, हवा में क्यों तीर चलाना चाहते हो? 2012 में हमने तो पिक्चर देखी है, कितना उत्पादन था और 16 लाख में कितना उत्पादन था बता सकते हो? सबको पता है कितना उत्पादन। और 17 से लेकर 22 तक कितने नए प्लांट लगाए मोदी जी की सरकार ने, जरा बता दीजिए। और वैकल्पिक ऊर्जा की मैं बात कर रहा हूँ, ललितपुर में ललितपुर में जो सौर ऊर्जा का प्लांट लगाया था, और बल्कि उसका जो जिसको जमीन दी गई थी वो आज भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सांसद बने बैठे थे। अच्छा, सुभाष चंद्र जी को प्लांट दिया गया था। ये लोग जमीन की जमीन खोरी कर गए, ये लोग तो बेईमान लोग हैं। अच्छा, आदरणीय अखिलेश यादव, ललितपुर का प्लांट सोलर ऊर्जा का, इतना बड़े प्लांट की जगह दी थी, वहां प्लांट लगवाया था, सरकार जाते ही बेच कर खा गए भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सांसद बने थे। अच्छा, मैं कहूं तो उनका नाम भी ले लूं, क्योंकि मीडिया घराना है। नाम बता दीजिए भैया, हम तो नाम भी सुन लेंगे, बता दीजिए। सुभाष चंद्र जी को दी गई थी। अच्छा, सुभाष चंद्र के ग्रुप को ललितपुर की इतनी बड़ी जमीन दी गई थी जिस पर सोलर ऊर्जा का प्लांट लगना था, और सरकार उन्होंने जमीन ले ली और आज तक प्लांट नहीं चालू कर पाए। अरे लगाया सरकार को, अरे देखा देखना चाहिए ना। अरे भाई देखा लगाया तो ऐसी कमरे से बाहर जाते नहीं है, हमने देख लिया है। मिलने भी जाते हैं अपने लोगों से, मिलने भी जाते हैं। कल भी आप में आपने देखा था जो आपका मुख्यालय है वहाँ भी गए थे। गौरव जी, गौरव जी एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो ई रिक्शा से चलते हैं। अच्छा, ये जो की झोपड़ी में रहते हैं। अच्छा, ये आसपास धुनी रफा के बैठते हैं, ये लोग एसी में नहीं बैठते। अच्छा, ये विवेक जी जहाँ बैठे हैं इनके कमरे में ना तो एसी होगा और ना हार्ड सर्दी के समय में इस समय ब्लोअर लगा होगा। अच्छा, मुद्दे को डाइवर्ट। अब यहाँ एसी कहाँ घुस गया? बिल्कुल, आज बिजली उत्पादन की बात हो रही है, उत्पादन किया है उस पर इनके पास जवाब नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ एसी चले जाएंगे। हाँ, अरे मैं बता रहा हूँ कि 12 में कितना उत्पादन था। हाँ, और 16 के लास्ट में कितना उत्पादन बढ़ गया था। आप बताइए कि रामपुर छोड़ के पूरा प्रदेश अंधेरे में डूबा रहता था। आपके घर बिजली नहीं आती थी क्या? कहाँ आती थी? अच्छा, नहीं आती थी, लखनऊ नहीं आती थी, नहीं आती थी। अरे जितनी आती थी वो सबको आती थी, नहीं आती थी। अच्छा, नहीं आपके घर में आती थी, आपके स्टूडियो में आती थी? नहीं, हमारा तो आती थी भैया, हमारा तो आती थी। हमारे पास व्यवस्था और भी, जनरेटर व्यवस्था हमारे पास भी, हमारे स्कूल में आती रहती है। रामपुर व्यवस्था भी है, इनके इनके कहने से तो सबको पता है। चलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इतना काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया था, बाकी लोगों की हैसियत नहीं है कि वो लोग इतना काम करके दिखा दे। ठीक है, खासतौर बिजली के मामले में जनता समझ नहीं पाई। अच्छा, देखिए गौरव जी, महत्वपूर्ण विषय है, इस प्रकार से तू तू मैं करके कोई सार्थक बहस नहीं हो सकती। सवाल ये है जो आज सूरत हाल है, कोई इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस और वैचारिक पक्ष रखने की बात नहीं है। देखिए, ये इस समय वाकई आदमी जो आम शहरी है, उत्तर प्रदेश का हमारा सम्मानित नागरिक है, वो कोई भी अतिरिक्त बोझ किसी भी रूप में किसी भी कर में लेने के लिए व्यवहारिक तौर पर तैयार नहीं है। बिल्कुल,
तो उसको पीड़ा को, उसकी वेदना को, उसके मान सम्मान के साथ जीवन यापन करने की जो उसकी जद्दोजहद है, कशमकश है, उसको भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा संवेदनशीलता से देखना चाहिए। और विवेक श्रीवास्तव जी एक सत्ता सीन पार्टी के एक जिम्मेदार नेता हैं, तो उसको थोड़ी संवेदना के साथ इस बात को किस स्तर पर चूक हुई है, ये मौकरी है उत्तर प्रदेश के लोगों की, ये मौकरी करने की जरूरत किसने कर दी। और दुनिया के कोई भी आंकड़े, कोई भी प्रॉफिट और लॉस की बात कहके ये दोहरी मार, ये महंगाई की मार, इस समय आप किसी को कुछ किसी से भी सजा दे दीजिए, लेकिन कृपया करके मैं हर उत्तर प्रदेश वासी भाई हम निवेदन कर लिया उत्तर प्रदेश वासी की हृदय की पीड़ा, उसकी व्यथा बता रहा हूँ। विवेक जी हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूँ, कृपया महंगाई की दोहरी मार मत दीजिए। आप वाकई लगातार मारते जा रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? आपके शासन में लोग जो सम्मानजनक तरीके से कम आमदनी वाले लोग हैं, और करोड़ों में ऐसी संख्या है, आप उनको जीना नहीं देखना चाहते हैं? आप वो आपके आंखों में खटकते हैं, तो ऐसी कौन सी नीति बन रही है? ऐसी क्यों नीतियां बन रही हैं? ऐसा कौन लोग हैं प्रस्ताव देने वाले? उन पर कार्रवाई करिए, उचित कार्रवाई करने का काम करिए, ऐसा दुस्साहस ना कर पाए। ये अपमान उत्तर प्रदेश की जनता का, सम्मानित जनता का, अनुशासित जनता का, समय पे बिल पेमेंट करने वाली जनता का, एडवांस में विभाग को पैसा देने वाली जनता को कतई बर्दाश्त नहीं। ठीक है, ये सब केवल ड्रामेबाज है जी। जितने भी प्रवक्ता महोदय हमारे यहाँ बैठे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के हैं, चाहे कांग्रेस के महोदय हमारे, ये सब छलावा कर रहे हैं। अच्छा, जनता से कोई मतलब नहीं इनका। अच्छा, ये तीन की तीन पार्टी के प्रवक्ता महोदय हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, जितने भी इनके यहाँ नेता हैं और अपने कार्यालय हैं, सब बकायेदार हैं। जनता से कोई मतलब नहीं इनका, सब बकायेदार हैं और सब जनता के हित की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सब केवल अपने हित की बात कर रहे हैं, जनता के हित की बात नहीं हो रही यहाँ पर। जनता का कुछ नहीं है, ये जनता को मूर्ख बनाने की व्यवस्था है, केवल जनता को मूर्ख बनाने की व्यवस्था है। विनोद जी, आप इस प्रस्तावना गड़बड़ है। जब 3 रुपया यूनिट अगर गरीबों को दे रहे हैं, 100 यूनिट दे रहे हैं, कहां से गड़बड़ है उनके लिए? कोई अतिरिक्त महंगाई का बोझ लेने की स्थिति में नहीं है। उसको पैसा क्यों नहीं भर रहे हैं आप? हमारे पास सभी की कुंडली है, सब लोग क्यों नहीं अपना बकाया भर रहे हैं भाई? जी, जो नेता पैसा नहीं दे रहा, जवाब दीजिए भाई ना, उनके पास क्यों नहीं भर रहा है? उनके पास सबकी कुंडली है। भाजपा ने जो ये खेल करके इस डिबेट पे चर्चा कराने के लिए भेजा है, पवन जी पूरी तरीके से प्रेरित उपस्थित है। अच्छा, आप इसीलिए नहीं, तो अगर ये आम शहरी पत्रकार के साथ अपने न्याय करते, अपने विषय के साथ न्याय करते, तो दोहरी मार का समर्थन ना करते। आपने क्या किया? महंगाई की मार का समर्थन, आप क्या कर रहे हैं सड़क पे? मैंने जनता की बात रखी, आप कुछ नहीं किया। आप हो गए, आप क्रोधित हो गए, आप परेशान हो गए, देख रहे हैं का समर्थन करने लगे, आप भाजपा का समर्थन कर रहे हैं, आप भारत यात्रा पे पहुंच गए, आप भारत यात्रा पे अच्छी योजनाओं का समर्थन करना चाहिए। सुनिए, आपने कर्जा माफ किया, ये गलत किया, आपने फ्री का व्यवस्था किया, ये गलत किया। देखिए, हिम्मत बनाइए, हमारे यहाँ मेहनती लोग हैं, मेहनती लोगों को अपाहिज मत बनाइए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, हमें किसी से मतलब नहीं है, लेकिन गलत जा रहा है। इनका क्या लगाव है, प्रेम है, ये लंबी लंबी गाड़ियों में चलते हैं, इनको 100 रुपए यूनिट हो जाए, ये आपको लग रहा है? लेकिन हम तो जनता की बात करेंगे। नहीं, हाँ, ये सत्ता और सरकार के करीब में हमें चाहिए उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं है, मुझे ये चाहिए, हमें ये चाहिए कि उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं है। आप उसके लिए सड़क पे कब उतर रहे हैं? आप उसके लिए सड़क पे क्यों नहीं उतर रहे हैं? महंगाई का समर्थन नहीं हो सकता, महंगाई बढ़ाने का दुस्साहस करेंगे, सड़कों पर भी होगा। अगर सुनिए, अगर आयोग ने सरकार ने उत्तर प्रदेश के आम जनता के लिए कुछ अच्छी योजनाएं लेके आई, कोई अच्छी योजना नहीं कहेंगे? अरे, महंगाई की तो हमारे फ्री है, महंगाई की नहीं, कोई ये कांग्रेस, ये भारत जोड़ो यात्रा, ये भारत जोड़ो यात्रा, ये क्या यात्रा है? किसको जोड़ रहे हैं आप? नहीं समझेंगे, कौन सा भारत जोड़ रहे हैं? पार्टी कौन सा भारत जोड़ रही है? आप भाजपा के सोबत से जोड़ रहे हैं? आप समझ पाएंगे? गलत, आप समझ रही है, भारतीय हमें
हम आप भारतीय हैं, भारतीय संविधान कहते हैं, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए, सुनिए आप गरीबों के बीच में रहिए, मेरे साथ नहीं लेकर रहे ऑटो के ऊपर जो मान सम्मान स्वाभिमान के साथ गलत बात है, विनोदी गलत बात के साथ चलिए, जो गलत है सो गलत है, आप गलत है उसको गलत है, आप भाजपा के द्वारा बातों पे नहीं, जो गलत है सो गलत है, जो अच्छी योजनाएं आ रही है विनोद सिंह जी आप उसका देखे हम देखे अच्छी योजना नहीं है ये, कैसी अच्छी महंगाई की दाल नहीं खा अपने परिवार को खिला नहीं पा रहा है, जंगल रास्ता ठीक है आप कैसे कह देंगे नहीं है, ठीक है ठीक है, एके शर्मा 24 घंटा मेहनत करने वाला व्यक्ति है, अंधेरे में वो जाता है काम, सवाल ये है गौरव जी, चले विवेक शर्मा को बोल रहे थे, चले ठीक है ठीक है, हो गया विनोद भाई पवन जी प्रिय हो गया हमारे से विवेक शर्मा जुड़े हुए समाज से भी, ठीक है विवेक शर्मा अभी आपका समय लूंगा, बोलिए विवेक शर्मा बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे गौरव जी, लाइट को बोल रहे थे जी, गौरव जी जी जनता को देख रहे हैं आप जी, जनता हम है जी, यहाँ प्रवक्ता भी आपस में बोल रहे हैं, हमारे पवन भाई साहब जो वरिष्ठ पत्रकार हैं जी वो एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए सीधी सीधे आक्षेप लगा दिया सारी पार्टियों पर जी, देखिए मनन करने की बात है, जैसे भाई साहब ने मेरी ही बात को काटा कि भाई 100 यूनिट गरीबों के लिए दिया जा रहा, गरीबी है कहाँ जी, भाई साहब को गरीबी नहीं पता, पवन भाई कह रहे हैं गरीबी नहीं है, गरीबों का नियोजन दिया जा रहा है, गरीबों को 100 यूनिट, सर अब आप सभी से लड़ लेंगे, नहीं पवन भैया सुन तो लीजिए, हम लोग भाई जनता तो बताने के लिए बैठी है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, गरीबी नहीं है, गरीब है कहाँ, गरीबी सब खत्म हो चुकी सर, अच्छा अब आते हैं हम लाइट की बात पर जी, वो छोड़ दीजिए नहीं तो पवन भाई अभी और नाराज हो जाएंगे, हम से जनता से हो जाएंगे, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुद्दों के लिए आपको लड़ना चाहिए, अगर 3.5 रुपए आज कर रहे हैं तो अभी तक क्यों नहीं किया, 5.5 रुपए क्यों ले रहे हैं, 5.50 रुपए क्यों नहीं किया अभी तक आपने गरीबों के लिए, क्यों नहीं किया आपने, कोई योजना नहीं बना रहे हो आप, आपने कोई आयोग नहीं बनाया किया गया है, आपने कोई योजना नहीं बनाई, आप सुनिए, आप जनता की बात सुनिए, आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, आप सुनिए उसको लिखिएगा, ये जनता कह रही सर आपने अभी तक 5.50 रुपए क्यों लिया, 6 साल से आपकी सरकार चल रही थी भाजपा की, क्यों अभी तक आपने 3.5 रुपए का संगठन क्यों नहीं लिया, अब क्यों ले रहे हैं, अब जब कोविड की सर अभी एक कोविड की योजना से अभी हम लोग निकल नहीं पाए, अभी दूसरी योजना बता रहे अभी जो ये आप नहीं लेकर आई, आप कोई पार्टी लेकर नहीं आई, ये कोविड आया इसमें लोग त्रस्त है, कमर टूटी हुई है, अब आप इसमें प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं बढ़ोतरी का, क्यों लेकर आ रहे हैं, ये वही लोग हैं जो केवल लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, अच्छा ये बिजली अब जिन्होंने ये बनाया है विद्युत विभाग वालों ने ये प्रस्ताव जो बनाकर भेजा है जी, ये केवल लाइमलाइट में रहने के लिए रहना चाहते हैं ये लोग, जब ये अपने ऊर्जा मंत्री को अंधेरे में निरीक्षण करा रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं निरीक्षण कराते हैं, निरीक्षण अंधेरे में भी करते हैं वो, क्यों करते हैं, क्यों करना पड़ रहा है, क्यों नहीं अभी तक आपने लाइट दुरुस्त की, अभी तक क्या आप पैसा वसूली नहीं कर रहे थे, 5.50 रुपए आप वही गरीबों से ही आप पैसा ले रहे थे, 3.5 रुपए तो अभी आप प्रस्ताव लेकर आए जी, अभी तक क्यों नहीं लेकर आए, सर सर हम आप दोनों जानते हैं, हम आप दोनों जानते हैं, ये बताइए आज के 10 साल पूर्व में लाइट कैसे आती थी, बिल्कुल ठीक बात, अरे सर हम तो कह रहे हैं हफ्ते रात में समाजवादी पार्टी की सरकार में घंटे लाइट नहीं आती, किसी की भी रही हो, किसी भी सरकार रही हो, बिल्कुल ठीक बात है, किसी की बात नहीं कर रहे, बिल्कुल सही, लेकिन अगर आज 24 घंटा 24 घंटे लाइट मिल गई सर, जब विद्युत उपभोक्ता आपका बढ़ गया तो आपको रेट बढ़ाने की क्या जरूरत, जब वो टाइमली पेमेंट पे कर रहा है रहना चाहिए सर, बड़ा सौगात नहीं देना चाहिए, नहीं फ्री नहीं कह रहे आपसे, कब कह रहे फ्री, आप जनता ने कब फ्री मांगा आपसे, कुछ नहीं दिया, आप लोग अपना भी बांट रहे हैं, भाजपा वाले अपना बांट रहे हैं, अन्न धन योजना चालू कर दिया, किस गरीब ने आ गए आपसे कहा कि हमें अन्न दे दीजिए, आपको आपसे रोजगार मांगे, आपसे नौकरियां मांगी, आपने नौकरियां छीन ली, जिस समय कोविड आया था लोग परेशान हो गए, उस समय नौकरी देनी चाहिए थी, प्राइवेट नौकरी वालों ने भी निकाल दिया, कहां गई थी उस समय सरकार, क्यों नहीं उनके ऊपर आपने डंडा किया कि आपको इसको रखना ही है, क्यों प्राइवेट लोगों को बाहर निकाल के खड़ा कर दिया, ठीक है, ठीक आज लोग रोड पर घूम रहे हैं, ठीक है, आप उनको अन्न बांट रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए, समय हो गया ये नहीं होना चाहिए, हो गया समय हो गया, नितिन भाई आपकी बात लेते हो, नितिन भाई क्या बोलना चाहते हो, समय का, नितिन भाई बोलिए, आज मुझे लग रहा है कि
विवेक जी तो चूंकि भाजपा के प्रवक्ता हैं, सरकार की तरफ से अगर कोई प्रस्ताव आ रहा था तो आज तो भाई विवेक जी ने तो बैकफुट मार लिया, आज तो विपक्ष की तरफ पहुंच गए। अच्छा। आज विवेक जी की जगह हमारे पवन श्रीवास्तव जी ने ले ली। आज पूरी तरह से अपनी राय है, पत्रकार का मुद्दा क्या है, पत्रकार की भूमिका छोड़कर पवन जी ने आज तो पूरी भैया ये रोड़ रहा है, प्लान के रूप में बैठा है, पत्रकार है भाई, ये कौन सी बात है, यही षड्यंत्र है भाजपा का, ये चेहरा देखिए हर व्यक्ति का अपना पक्ष होता है, बिल्कुल होता है, पत्रकार महोदय ने भी अपना पक्ष रखा, उससे आप संतुष्ट हो सकते हैं, असंतुष्ट हो सकते हैं, सही बात है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के ऊपर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप ठीक होते रहते हैं। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बड़ी महंगाई बात है, आपकी भूमिका इस तरह के आरोप नहीं, इस तरह के आरोप नहीं, ये कौन सी बात है, हमला करेंगे उस पर महंगाई की कहर, ये कौन सी बात है, ये कौन सी बात है, मैंने शुरू में ही कहा था, अच्छा मैंने शुरू में ही कहा था यही होने वाला, वो साबित हो गया, चलिए ठीक है। अरे विवेक से बात ले लीजिए, विनोद भाई, विनोद भाई, विनोद भाई, विनोद भाई प्लीज बोलिए। गौरव जी बोलिए, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बड़ी महंगाई की दुहाई दे रहे हैं, जब तक एक भी कांग्रेसी गांधीवादी तरीके से आपका पर्दाफाश करेगा तब तक उत्तर प्रदेश की जनता पर आप इस तरीके की कठिन कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। बढ़ोतरी कर दिया, समझ लीजिए इस बात को, डीजल का नाम बढ़ा दिया, अच्छा क्या वो महंगाई से निजात दिला रहे, डीजल में बैठ बढ़ा करके बता दिए भाई, राजस्थान में इसी कमरे में ब्लोअर कमरे में बैठ के बिजली का बिल आपको देना नहीं है, हाँ। आप कुछ भी गरीब नहीं, ये विद्युत कर्मी है क्या, विद्युत कर्मी है क्या, कभी जीवन नहीं देना, अरे विद्युत कर्मी नहीं है भाई, शनिवार की रात में विवेक जी आप भी बढ़ते हैं क्या, सरकार ने नहीं दे रहा है भाई, ये विवेक जी हमारे घर का बिजली का बिल आप देते हैं क्या, गरीब और गरीबी का अपमान नहीं सही, चलो ठीक है, ठीक है, हो गया हो गया, सभी व्यापारियों के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर चर्चा थी कि विद्युत दरें बढ़ाई जा सकती हैं, हालांकि अभी सरकार की तरफ से कोई सहमति नहीं हुई है, केवल यहाँ पर राज्य विद्युत नियामक आयोग को बिजली कंपनियों ने प्रस्ताव भेजा है, अब वो दर बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी और क्या क्या नए टैरिफ आम जनता के सामने आएंगे वो भविष्य के गर्भ में निहित है। पर यहाँ पर हमने देखा जिस तरह से तमाम पार्टियां के प्रवक्ता थे वो केवल यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था, पर किसी ने यह नहीं कहा कि अगर विद्युत की दरें बढ़ेंगी तो हम जनता के बीच जाकर संघर्ष करेंगे, किसी ने यह नहीं कहा कि अग्नि भारत जोड़ो यात्रा या अग्नि कांग्रेस की यात्रा विद्युत दरों के खिलाफ होगी, किसी ने यह नहीं कहा कि अब अखिलेश यादव आने वाले समय में शक्ति भवन जहां से विद्युत की ऑपरेटिंग होती है, जहां पीपीसीएल का ऑफिस है, वहां पर घेराव करेंगे, केवल यहां पर बात हुई तो केवल आरोप प्रत्यारोप की। उम्मीद करता हूं कि अगर वास्तव में जनता को त्रस्त किया जा रहा है वर्तमान सरकार द्वारा, तो फिर कम से कम जो हमारे विपक्षी दल हैं, चाहे कांग्रेस की बात हो और चाहे 111 विधायक के साथ मुख्य विपक्ष की भूमिका में बैठी हो समाजवादी पार्टी हो, तो कुछ संघर्ष धरातल पर भी करिए। मुझे अच्छा लगता अगर ये कहा जाता कि हम बिजली मुख्यालय घेरेंगे या विद्युत राज्य विद्युत नियामक आयोग घेरेंगे या फिर कांग्रेस की अगली यात्रा विद्युत दरों के खिलाफ होगी तो शायद कुछ अलग नजर आता, पर यहाँ पर केवल दौर रहा आरोप प्रत्यारोप का और किसी पत्रकार की अपनी प्रतिक्रिया पर किसी तरह का आक्षेप बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि पत्रकार की अपनी प्रतिक्रिया है, पत्रकार न्यायोचित होता है और जब जहाँ कहीं बेहतर होता है तो उसको उसका प्रशंसा करना, उसका समर्थन करना, ये भी पत्रकारिता का धर्म है, और कहीं अगर खराब होता है तो उसका विरोध करना, ये भी पत्रकारिता का मूल कर्तव्य है। जिस तरह से जन संबंधी मुद्दे भी हम उठाते हैं और अच्छी बात का समर्थन भी करते हैं, कहा जाता है ना जो अच्छी है उसका समर्थन करिए और जो खराब है उसका विरोध करते रहिए, पर एक कार्य करिए, चलते रहिए और चलते रहिए। नमस्कार। कुछ पाव
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।